कंप्यूटर फंडामेंटल में कल जहां छोड़ा था उसके आगे पढ़ना है। तो कल कहां छोड़ा था आप सभी को पता होगा। ठीक है, जल्दी से लाइव आए। चले, तो कल कहाँ थे, हम सभी को मालूम होगा कल कहाँ थे। कल हम आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे थे। आउटपुट डिवाइस, कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। और कल हमने एक डायग्राम बनाया था आउटपुट डिवाइस का, उसी के आगे पढ़ना है हमें। लाइव कौन कौन आ चुके हैं? 11 लोग लाइव आ चुके हैं। नीरज अहिरवार, जय हिंद सर, जय हिंद नीरज। मिस्टर आसू गुड इवनिंग, वंदना देवी गुड इवनिंग, खुशी गड्डर गुड इवनिंग, शैलेंद्र यादव गुड इवनिंग। 1 मिनट बाद क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्लास जो है जल्दी खत्म कर दी जाएगी, 30 मिनट में 8:30 बजे आपकी क्लास कंप्लीट कर दी जाएगी यार। इसलिए जल्द से जल्द आए हमें क्लास। कुसुम दुबे गुड इवनिंग, विकास वर्मा गुड इवनिंग, नीरज अहिरवार गुड इवनिंग, सौरभ सैनी गुड इवनिंग, माया कुमारी गुड इवनिंग, आयुष अग्रवाल प्लीज मेरा नाम बोलिए सर, आयुष अग्रवाल गुड इवनिंग। ऋषि मिश्रा गुड इवनिंग, सैफ गुड इवनिंग, सानू जैन गुड इवनिंग, जय महाकाल बादल। चले तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हमें, हमने कल छोड़ा था प्रिंटर, प्रिंटर पढ़ रहे थे। आप लोगों को याद होगा प्रिंटर क्या था। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस थी, ठीक है, जो क्या करता था, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा था उसको कागज पर प्रिंट करने के लिए हम काय का यूज करते थे, हम प्रिंटर का उपयोग करते थे। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा है, आपने जो भी टेक्स्ट टाइप किया है उसको कागज पर प्रिंट करने के लिए हम एक आउटपुट डिवाइस यूज करते थे जिसका नाम था प्रिंटर। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सॉफ्ट कॉपी में दिख रहा है स्क्रीन में उसको हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने के लिए हम काय का उपयोग करते हैं, प्रिंटर का उपयोग करते हैं। और प्रिंटर की गुणवत्ता ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछी गई है, प्रिंटर की गुणवत्ता काय में नापी जाती है। तो प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में मापी जाती है। काय में मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है। और डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, डीपीआई डॉट पर इंच। ये कल हम बता चुके थे, कल यहां तक हो गया था कि प्रिंटर क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो हम बता चुके थे 2 प्रकार का। आज हमें पढ़ना है प्रिंटर, वो दो थे उनकी परिभाषा और उसके अंदर कौन कौन से प्रिंटर आने वाले। तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आपके कितने प्रिंटर होते थे। आपके 2 प्रिंटर होते थे, एक इंपैक्ट प्रिंटर और एक कौन सा प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। देखो जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो ये क्वेश्चन आज का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फरवरी में आपके डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेम के पेपर और सेकंड सेम के पेपर होंगे। तो फर्स्ट सेम में
ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में अंतर लिखिए या प्रिंटर के प्रकार को समझाइए। तो ध्यान से एक-एक शब्द ध्यान पूर्वक सुनना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है? तो ध्यान से, प्रिंटर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। पहला प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं इंपैक्ट प्रिंटर की। इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? तो आप बोल सकते हैं इंपैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो टेक्स्ट और इमेज प्रिंट करता है। प्रिंट नॉ इंपैक्ट प्रिंटर में, ये लाइन तो सभी लोग लिख देंगे कि इंपैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जिसका यूज अपन काय के लिए करते हैं, टेक्स्ट और इमेज प्रिंट करने के लिए करते। जब इंक हेड इंक रिबन के ऊपर प्रहार करता है, मतलब ये प्रिंट कैसे करता है, जब इंक का जो हेड होता है, इंक हेड, जब इंक हेड इंक रिबन पर के ऊपर क्या करता है, प्रहार करता है, ठीक है? तो इंपैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है जो टेक्स्ट और इमेज प्रिंट करता है जब इंक हेड इंक रिबन के ऊपर प्रहार करता है। सर समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन जब हम जो लिखी है उसको अगर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? वो प्रिंटर जिसमें पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क करता है, मतलब आपका पेपर और इंक, आपका जो पेपर है और इंक है वो एक दूसरे पर क्या होता है, संपर्क करता है, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। आपने देखे होंगे जो टिकट प्रिंट होती है ऐसे पूरा घूमता है, पेपर भी और आपका इंक है वो एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं और वो क्या करता रहता है, प्रिंट करता रहता है। तो ऐसे प्रिंटर को हम कौन से प्रिंटर कहते हैं? इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ये मीन डेफिनेशन, वो प्रिंटर जिसमें पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क करता है, पेपर और इंक दोनों एक दूसरे को संपर्क करता है, उसे हम इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और इसमें रिबन का उपयोग किया जाता है, रिबन लगे रहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर में। तो इसमें काय का यूज किया जाता है? रिबन का यूज किया जाता है। और इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में कौन कौन से प्रिंटर आएंगे? तो इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आपका पहले नंबर कौन सा प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरे नंबर पे कौन सा प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तीसरे नंबर पे कौन सा प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, और चौथे नंबर पे कौन सा प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, पांचवे नंबर पर बैंड प्रिंटर, और छठवें नंबर पर चेन प्रिंटर। ये छह किसकी कैटेगरी में आएंगे? ये छह के छह प्रिंटर किसकी कैटेगरी में आएंगे? इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आएंगे। ये छह पूरे जो छह प्रिंटर हैं वो किस कैटेगरी में आने वाले हैं? इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आने वाले हैं। इंपैक्ट क्या होता है? सबको पता है, इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जिसमें पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क करता है, पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क करता है, उसे हम इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इसमें रिबन का उपयोग किया जाता है। इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण बताइए। तो इंपैक्ट प्रिंटर का पहला प्रकार या पहला उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा ड्रम प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, तीसरा लाइन प्रिंटर, और चौथा डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर।
और पांचवा बैंड प्रिंटर और छठवा चेन प्रिंटर। ठीक है, इतना आप इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर लिख सकते हैं। कई बार तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है भैया, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। तो ये जो प्रिंटर होंगे वो इम्पैक्ट है, इनके अलावा कोई और दिया होगा आपको, मान लो लेजर प्रिंटर दिया तो वो थोड़ी ना इम्पैक्ट होगा। ठीक है, आपको पता है कौन से प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आने वाला, किस प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखने वाले हैं? तो इन प्रिंटर्स को हम इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ये जो प्रिंटर हैं उनको इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखेंगे। और इम्पैक्ट होते क्या हैं सबको पता है क्या होते हैं? वे प्रिंटर जिसमें पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क करता है, पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क करता है, उसे कौन सा प्रिंटर कहते हैं? इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम, चेक कर ले रहे, इम्पैक्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकता है। नो सर, मिस्टर आसू नो सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? सत्यम मिश्रा नो सर। वंदना देवी नो सर। चले, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। सौरभ कुर्मी, 47 लोग लाइव है, इन 47 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया कुमारी नो सर। सुमन ठाकुर नो सर। ठीक है सुमन, सभी लोग ध्यान रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर अच्छे से याद कर लें। अब हमारी बारी आती है किसकी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। किसकी बारी आ रही है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। चले तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो हम आपको बता चुके हैं, ऐसा प्रिंटर जिसमें पेपर और इंक एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करता है, फिजिकली टच नहीं करता है मतलब एक दूसरे के संपर्क में नहीं होता है। कौन? पेपर और इंक। पेपर और इंक एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करता है। एक प्रिंटर जो एक रिबन को कागज पर टकराए बिना प्रिंट करता है, उसे हम कौन सा प्रिंटर कहते हैं? उसे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। कौन सा प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट। और ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, सीधी सीधी बात है, आप लोग एक चीज याद रख लो कि जिसमें पेपर इंक एक दूसरे को संपर्क कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, संपर्क कर रहे हैं वो इम्पैक्ट, और जिसमें एक दूसरे को संपर्क नहीं कर रहे हैं वो नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में रिबन का यूज और नॉन इम्पैक्ट में रिबन का यूज नहीं होगा, कॉटेज लग जाएगा। कॉटेज, कॉटेज उस दिन दिखाई थी ना हमने निकाल के, आपको से क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या है, तब आपने बोला था सर ये कॉटेज है। ठीक है, तो वही कॉटेज काय में यूज होती है? नॉन इम्पैक्ट में। और इम्पैक्ट में क्या यूज होता है? रिबन। तो अंतर भी दो क्लियर हो गए होंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क करता है, और नॉन इम्पैक्ट में पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क नहीं करता मतलब फिजिकली टच नहीं करता है, इसमें कॉटेज का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से आने वाले हैं प्रिंटर? तो इसके अंतर्गत कौन से प्रिंटर आ रहे हैं? इंकजेट प्रिंटर, दूसरे नंबर पर लेजर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत इंक जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर और 3D प्रिंटर।
ये चार कौन से हैं? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जिसमें कागज और इंक एक दूसरे को संपर्क नहीं करता है, वो नॉन इंपैक्ट। तो कौन? इंक जेट, लेजर, बबल जेट प्रिंटर और 3D प्रिंटर। सर इंक जेट कहाँ होता है? घर में जो कलर प्रिंटर यूज कर रहे हैं आजकल, वो कौन सा प्रिंटर है? इंक जेट प्रिंटर है। आपने देखा अर्जेंट फोटो निकालते हैं कुछ लोग, दुकान पे जाओ अर्जेंट फोटो निकाल देते हैं, प्रिंट करके आपको दे देते हैं, तो वो कौन सा प्रिंटर है? इंकजेट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, जेरोक्स करने के लिए, हमने आपको बताया था जेरोक्स करने के लिए आजकल सबसे ज्यादा यूज कौन सा हो रहा है? लेजर प्रिंटर। और घर में भी सामान था ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालने के लिए, आजकल किसका यूज हो रहा है? लेजर प्रिंटर। और उस दिन हमने नाम भी बताया था कि आजकल सबसे ज्यादा HP का M1005 सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला प्रिंटर है, ठीक है? तो वो एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है? वह एक प्रकार का लेजर प्रिंटर है। अब हम बात कर रहे हैं बबल जेट, तो बबल जेट स्टूडियो वाले यूज कर रहे हैं आजकल, जो फोटो स्टूडियो वाले होते हैं ना, HD कैमरा यूज कर रहा है, HD फोटो को प्रिंट कर रहा है। तो HD फोटो को प्रिंट करने के लिए हाई डेफिनेशन की जो फोटो होती है उसको प्रिंट करने के लिए बबल जेट प्रिंटर का यूज किया जा रहा है। बबल जेट प्रिंटर का यूज किया जा रहा है। और 3D प्रिंटर आपने देखा होगा, जो 3D पिक्चर्स होती है उनको प्रिंटर, शक्तिमान का 3D पिक्चर आया था, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती है जो 3D, जिसको किसी भी एंगल से देख लो स्पष्ट दिखाई देगा, वो वाला प्रिंटर कौन सा प्रिंटर कहलाता है? 3D प्रिंटर कहलाता है। मतलब उसको प्रिंट करने के लिए आप कौन सा प्रिंटर यूज कर रहे हैं? 3D प्रिंटर का यूज कर रहे हैं। तो ये आपके कौन से प्रिंटर खत्म हो गए? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सीधा सीधा याद रख सकते हैं। और सब भूल गए तो इतना तो याद रख सकते हैं कि पेपर और इंक एक दूसरे को अगर संपर्क कर रहे तो वो इम्पैक्ट, और पेपर और इंक एक दूसरे को संपर्क नहीं कर रहे तो वो नॉन इम्पैक्ट, ठीक है? इसमें रिबन का यूज इम्पैक्ट में, और इसमें कॉटेज का उपयोग। इनकी गति धीमी, इनकी गति तेज। नॉन इंपैक्ट की गति तेज होती है, और सबसे तेज गति किस प्रिंटर की होती है? सबसे तेज गति लेजर प्रिंटर। कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सबसे तेज गति किसकी होती है? सबसे तेज गति लेजर प्रिंटर की होती है। और किसमें मेजर की जाती है? PPM, पेज पर मिनट। लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? तो लेजर प्रिंटर की गति PPM में मापी जाती है, पेज पर मिनट, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये आ गया क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया, अब ऑनलाइन फैक्ट वाली कॉपी में लिख लेना, ठीक है? सभी को याद रखना, अंतर पूछे इनकी गति बहुत धीमी होती थी, बहुत स्लो तरीके से प्रिंट करते हैं, और ये बहुत फास्ट तरीके से प्रिंट करते हैं। इनकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती जितनी नॉन इम्पैक्ट की प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है, ठीक है? तो ध्यान रखना, तो आपका एक टॉपिक खत्म हो चुका है प्रिंटर, और प्रिंटर के बारे में पेपर में लिखने कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है? तो ध्यान से सभी लोगों ने लिख लिया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में करके बता दें, हम आपके प्रॉब्लम को देखे ले रहे हैं। कोई प्रॉब्लम? नो सर, केशव कुशवाहा, नो सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रिंटर से क्वेश्चन आने वाला है मिस्टर आसू? नो सर।
नोट्स बनाते जाना, हमारी मेहनत तभी काम आएगी जब आपको सिलेक्शन, अगर कोई कंपटीशन वाला है और उसमें अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो आप पे बन रहा है, तो समझ में आ गया है, तो फिर हमें अच्छा लगेगा कि हमारे लेक्चर से किसी को कोई फायदा हुआ है। और डीसीए और पीजीडीसीए के पेपर में अगर आप मध्य प्रदेश टॉप करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। सत्यम मिश्रा का क्वेश्चन आया है, सर एचडी और फुल एचडी क्या होती है? वंदना देवी, नो सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है। मनीष खरे ने आंसर दे दिया, एचडी का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन। चलो अच्छी बात है, बच्चे खुद ही क्या कहते हैं बता रहे हैं, खुशी की बात है। एक दूसरे की मदद करना भारतीय लोगों की पहचान है, और भारत के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर खड़े होते हैं। अपन लोगों ने इतनी बड़ी बीमारियों में सबका सहयोग किया, सबका साथ दिया है, और सबका साथ तो सबका विकास भी होगा। ठीक है, शिवराज मम्मा का, शिवराज मम्मा माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान अपने मुख्यमंत्री जी हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने सर टाइमिंग क्या है क्लास का? मुहूर्त टाइमिंग हम बता चुके, हमने पब्लिसिटी नहीं की है ज्यादा, लेकिन हम बताए दे रहे हैं, हमने टाइमिंग रखी है 8:00 to 8:40, 8 बजे से रात के 8 बजे से 8:40 तक क्लास रहेगी। चले तो आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चंस पूछे ले रहे, मोबाइल नहीं रख रहे, क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे ले रहे। तो आज का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से सुनना, आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है आज का, एमएस वर्ड में गटर पोजीशन, गटर का क्या मतलब है ये बताएं, गटर का क्या मतलब है? एमएस वर्ड में गटर का क्या मतलब है? गटर, गटर का क्या मतलब है? आप जब पेज सेटअप मिलाते हो तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, पेज का सेटअप मिलाते हैं तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और एक गटर रहता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या होता है? दिलीप कुशवाहा, बीच की लाइन, बाय डिफॉल्ट गटर पोजीशन क्या होती है? कोसी के आंसर नहीं आ रहे अभी तक, निरंजन ने दिया तीज की एक तरफ से ऊपर, तीज की एक तरफ से ऊपर या नीचे, खाली जगह छोड़ना नहीं। निरंजन, दिलीप कुशवाहा 1.1, कुसुम दुबे का राइट आंसर आ चुका है, गटर पोजीशन। हम कह रहे हैं ना छत्तीसगढ़ वाले बहुत ज्यादा होशियार हैं, लेफ्ट तो आ गया लेकिन होता क्या है? गटर, पेज साइज, लाइन छोड़ना, लाइन क्लीन करना, नहीं। लाइन क्लीन नहीं, चले हम बताए दे रहे हैं आपको, आपके आज के आंसर नहीं है, सिर्फ कुसुम दुबे का सही आंसर आया था, अब लाखन अहिरवारा का आ गया, लेकिन कुसुम दुबे का सही है। चले एक और क्वेश्चन पूछे ले रहे हैं, अभी तक सही आंसर नहीं आए।
एक और क्वेश्चन, गटर पोजीशन होती कितनी, ये बता दे गटर पोजीशन होती कितनी है, होती कितनी है, ऑप्शन में कितनी रहती है। कुसुम दुबे दो, बिल्कुल राइट आंसर, कुसुम दुबे लगी हुई है लेफ्ट, और एक क्या होती है टॉप। सिर्फ दो गटर पोजीशन होती है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में कितनी गटर पोजीशन होती है, एमएस वर्ड में दो गटर पोजीशन होती है, एक आपकी लेफ्ट और एक आपकी टॉप। ध्यान रखना कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गटर पोजीशन दो होती है, कितनी होती है, दो होती है। सत्यम मिश्रा वीडियो रुक रहा है सर, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, अब नहीं रुकेगा, ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। आज के ऑनलाइन फैक्ट लिख लें, आज की टॉपर मिस्टर आसू और कुसुम दुबे, मिस्टर आसू और कुसुम दुबे आज के टॉपर हैं। आज के वन लाइन फैक्ट लिख लें जल्दी से सभी लोग। आज के वन लाइन फैक्ट जरूर लिखें, क्योंकि इससे आपका सीपीसीटी आगे चल के क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आज का, सेल रेंज AB10 कॉलन AF14, AB10 कॉलन AF14 में कुल सेल की संख्या, कुल सेल की संख्या, कुल सेल की संख्या बराबर कितनी, 25। एक बार सीपीसीटी में क्वेश्चन आ गया, AB10 से लेकर AF14 में कुल सेल की संख्या कितनी होगी, तो कुल सेल की संख्या 25 होगी। दूसरा क्वेश्चन आज का, दूसरा क्वेश्चन एमएस वर्ड में जब आप, एमएस वर्ड में जब आप किसी लाइन को एमएस वर्ड में जब आप किसी लाइन को टेक्स्ट से भर देते हैं, टेक्स्ट से भर देते हैं, एमएस वर्ड में जब आप किसी लाइन को टेक्स्ट से भर देते हैं, तो अपने आप अगली लाइन पर अगली लाइन पर चले जाने को अगली लाइन पर चले जाने को कहा जाता है, तो अगली लाइन पे चले जाने को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, वर्ड ब्रेफ, ध्यान से वर्ड ब्रेफ। तीसरा आज का, तीसरा वन लाइन ब्रेफ, सेल रेंज E4 कॉलन K9 में कुल सेल की संख्या बराबर 42। चौथा एक्स वाई चार्ट को स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है,
स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। एक्स वाई चार्ट को स्कैटर चार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सभी का इतना लिखना है सभी को। ठीक है, और पांचवा पॉइंट हम लिखा चुके हैं, बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं, गटर पोजीशन लेफ्ट, और गटर पोजीशन होती कितनी है, दो। कौन कौन सी, लेफ्ट एंड टॉप। ठीक है, तो अब देखें ये सर ये कैसे निकाल लिया, जिस सब हम सिखाएंगे अगर पीसी पैकेज के लाइव लेक्चर लिए तो हम ये सब सिखाएंगे। अभी हमने क्या लिख दिया आपको, जो सीपीसीटी में सीधे सीधे क्वेश्चन आए उनके आंसर लिख दिए हम, याद कर ले हम ये कैसे निकालते हैं सेल की संख्या, ये सब हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और डेली लाइव आना पड़ेगा। कल और लाइव क्लासेस है, फिर इसके बाद आपकी मंडे को लगेगी, क्योंकि कल क्या है, फ्राइडे, और अपनी लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 8 PM to 8:40 PM। ठीक है, तो आज याद कर लेना, सेल जो सेल होते हैं एमएस एक्सेल में, सेल रेंज AB10 देखना, जो एड्रेस AB10 है उससे लेकर AF14 तक कुल सेल की संख्या एमएस एक्सेल में आप करके देखना, अगर आप चलाते हैं तो कुल सेल निकलेंगे 25। और ऐसे ही एमएस वर्ड में जब आप किसी लाइन को टेक्स्ट से भर देते हैं तो अपने आप अगली लाइन पर चले जाने को क्या कहा जाता है, अपने आप अगली लाइन में, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते अपने आप भर गई पूरी लाइन, तो आप एंटर भी प्रेस नहीं करते और अपने आप वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है कर्सर। क्यों, इसको क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बर्ड ब्रेथ। ठीक है, तीसरा, सेल रेंज E4 से K9 में कुल सेल की संख्या कितनी है, तो कुल सेल की संख्या आपकी कितनी है, 42 है, कितनी है, 42 है। ठीक है, इधर से इधर तक आप देख लेना 42। चौथा, एक्स वाई चार्ट को अपन और किस नाम से जानते हैं, तो एक्स वाई चार्ट को हम किस नाम से जानते हैं, स्कैटर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। पांच के पांच, ये चार, ये पांचवा आपका गटर पोजीशन वाला, तो पांच वन लाइन फैक्टर हो चुके हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को हम आशा करते हैं समझ में आई होगी, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, सभी के पास होगा, और व्हाट्सएप नंबर 9074083145, और एक और मोबाइल नंबर 9644199904। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे, इन पर आप अपनी समस्या को भेज सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न। ठीक है, इसके लिए आप इस पर फोटो खींचे और व्हाट्सएप कर दें, या कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम कमेंट आप लोगों के पढ़ लेते हैं जब भी फ्री होंगे। आप जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं बाद में भी देखेंगे, और अगर उन्हें समस्या होती है तो बाद वाले कमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप बाकायदा क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारा काम ही है आप लोगों की समस्या का समाधान करना, और हमारा प्रयास आज से नहीं, करीबन 9 साल से यही रहा है कि हम कंप्यूटर में मास्टर बना दें सभी को, खुरई वालों को स्पेशली खुरई वाले में, इसीलिए हम ललितपुर के होके खुरई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो, और अब हम लोगों ने चालू भी कर दिया 10th से क्लासेस पढ़ाना, क्योंकि बेस जब मजबूत होगा तभी जाके कॉलेज तक बहुत अच्छा होगा। अब हम लोगों ने ज्ञान इंस्टीट्यूट की पूरी टीम तत्पर लगी हुई है, करीबन हम लोग 10 लोग इस टीम में इन्वॉल्व हैं, और 10 लोग लाइव तो नहीं पढ़ा रहे, लाइव मैं ही ले रहा हूं, लेकिन अब ऑफलाइन क्लासेस के
परमिशंस आ चुकी हैं, तो हम ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोगों ने चालू कर दिए। तो अगर किसी को ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है, ठीक है, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे 11th, 12th या कॉलेज का कोई भी कंप्यूटर सब्जेक्ट हो, अगर वो ऑफलाइन पढ़ना चाह रहा है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करे और आकर ज्ञान इंस्टीट्यूट खुरई में संपर्क करे। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे पुनः, कितने बजे? 8 बजे, ठीक है, समय याद रखें। और सभी के लिए एडवांस में मैरी क्रिसमस, कल क्रिसमस डे है, सभी के लिए मैरी क्रिसमस एंड गुड नाइट, थैंक यू।